प्रेसिडेंट जयपुर मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर रजनीश शर्मा जोनल वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान, डॉक्टर अनुराग शर्मा सचिव जयपुर मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर सर्वेश्वरन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया राजस्थान स्टेट के सचिव। मैं आपके माध्यम से, पूरे देश के मीडिया के माध्यम से, राज्य की 8 करोड़ जनता से क्षमा मांगना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि हम चिकित्सकों की हड़ताल में 18 दिन उन्होंने जो असहनीय पीड़ा सही है उस पीड़ा के लिए मैं चाहूंगा कि वो हमें क्षमा करें। और आपके माध्यम से मैं सरकार को और जनता को निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह का आंदोलन हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़े, यानी हमें सड़कों पर नहीं आना पड़े। कोई सी भी सरकार हो, अगर चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी और पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स से जो भी हमारे परिवार हैं, उनकी बात को अगर आज से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले लगातार मीटिंगों में सुन लिया जाता तो हमें सड़क पर आने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। इसलिए मैं राज्य की जनता से क्षमा चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चिकित्सकों का आंदोलन था, ये आंदोलन चिकित्सक यूनियनों का आंदोलन नहीं था। कई बार मीडिया में आया है कि चिकित्सक 1 बार 2 बार 3 बार हो गए हैं, वर्चस्व की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं था। ये आंदोलन राज्य का प्रत्येक चिकित्सक, राज्य का ही नहीं बल्कि हमारे पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा और न जाने कितने राज्यों से चिकित्सकों ने संपर्क किया और जयपुर में भी आए थे। साथियों, चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग पैरामेडिकल सारे के सारे स्टाफ और उनके परिवारजन, आप देखिए ऑटो मोड में आंदोलन चला गया था। हर चिकित्सा कर्मी सड़क पर इस आंदोलन में शहीद भूमिका निभाने के लिए भगत सिंह की तरह अपना बलिदान देने के लिए सड़कों पर उतर गया था। सारी बातें मेरे साथी आपको समझाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा रोल लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है जिसको हम मीडिया कहते हैं, आपने ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट राजस्थानी नहीं, सरकारी नहीं, बल्कि देश भर में देश की जनता को दिखाई, हमारी वेदना, हमारी पीड़ा जनता को भी दिखाई और सरकार को भी दिखाई। मैं मीडिया को नमन करता हूं, धन्यवाद करूंगा। जेएमए के प्रेसिडेंट है, नमस्कार। देखिए, जो ये समझौता कल हुआ उसके लिए सभी प्रदेश की जनता और समस्त चिकित्सा जगत बधाई का पात्र है। निरंतर चले संघर्ष में आखिर हमारे जो चिकित्सक वर्ग है और जो स्टाफ है हमारा, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल स्टाफ, इन सभी की भावनाओं की जीत हुई है। उसके लिए हम सभी और वो सभी बधाई के पात्र हैं। समझौते की जो, वैसे तो इस तरह की परिस्थिति बननी ही नहीं चाहिए थी। सरकार को काफ़ी समय से हम ये बात बता रहे थे कि ये जो बिल आ रहा है उसके विरोध में सभी चिकित्सक, पूरा चिकित्सक जगत है, और अगर ये नहीं आए तो अच्छा है। और अभी भी जो ये बिल आया है, अब ठीक है, जैसा भी है, हम स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे और चिकित्सा नहीं मिल पाने के अभाव में, और अल्टीमेटली किसी न किसी बिंदु पे तो समझौता होना ही था। तो इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि अब कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, जो आंदोलन चला पिछले 17 दिन 16 दिन चला उसको आज आप गंभीर बता रहे हैं, जबकि एक जो आम चिकित्सक है वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण, एक मैसेज पढ़ने पर आपको सुनाकर मेरे मुझे बोलने की आज तक ये है कि जब रात को ही बिना आम सभा में सहमति के नेता लोग सरकार से समझौता करके आ गए थे तो उन्होंने नोट टू आरटीएस की मांग को लेकर लाखों लोगों को परेशानी झेलते हुए रैली को निकाली। चिकित्सक नेताओं ने खुद के फायदे के लिए आम चिकित्सक को अंधेरे में रखा, इससे कई चिकित्सक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक आम चिकित्सक का अपने नेतृत्व से विश्वास ही टूट गया है।
खुशी इस बात की है कि मरीजों को हड़ताल से हो रही परेशानी से राहत मिलेगी। एक चिकित्सक आप ही के लोगों के पीछे बिल्कुल बता दें कि इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं इसका, आपके पास प्रश्न नोट करके एक साथ आप बोलना है। ऐसा है कि रात के अंधेरे में कोई समझौता नहीं हुआ, समझौते की जो प्रारूप है वो तो दिनों में नहीं कई दिन पहले बन गया था। गतिरोध तो सरकार की ओर से था। समस्त चिकित्सक यूनियन एक मंच पर आकर बायकायदा एक दूसरे के प्रति विश्वास में थे। और जब सुबह देखो रात को नहीं हुआ है, फिर बार बार सुबह 5 बजे को अगर कोई रात कहता है, क्योंकि 4 अप्रैल की रैली का ऐलान हमने 4 दिन पहले कर रखा था और लोग जयपुर पहुंच चुके थे। उस दिन हमने समझौता हुआ सुबह 8:30 से 10 बजे के बीच में फाइनल हुआ ड्राफ्ट और सभी चिकित्सकों के साइन हुए यूनियनों के अध्यक्षों के, ताकि किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं रहे। एक क्योंकि रैली तय था ना, हमने उस रैली को विजय दिवस में विजय रैली में कन्वर्ट कर दिया। अरविंद जी अभी आपने कहा कि गतिरोध सरकार की तरफ से था, इसको भी आप स्पष्ट कर दे तो बेहतर होगा कि जो चिकित्सक पिछले 17 दिन से नो टू आरटीएस के टैक्स के साथ में आंदोलन कर रहे थे, वो जब वार्ता होगी तो कुछ बिंदुओं पर सहमति लेकर वापस आए। कुछ बिंदु नहीं था क्या? तो क्या जो चिकित्सकों की जो मुख्य मांग थी कि आरटीएस निजी अस्पतालों में बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए, क्या वो पूरी होगी? देखिए 100% बात यह है कि एक बेड का अस्पताल हो चाहे 500 बेड का अस्पताल हो, अगर वो अस्पताल निजी चिकित्सक की खुद की कमाई से और उसके पास राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की जमीन से लेकर किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो वो इस आरटीएस बिल से मुक्त है। अब परेशानी क्या है, ऐसे अस्पताल जिन्होंने कभी ना कभी बहुत कम संख्या में अगर सरकारी जमीन लिए टोकन पे या 1 रुपए पे, उसमें भी उनको फायदा है। क्योंकि आप पढ़िए हमारे समझौते को, उसमें लिखा है या तो आरटीएस बिल उन पर लागू होगा या जमीन आवंटन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उन पर एक में दोनों में एक ही चीज लागू। हमारे समझौते में किसी भी ऐसे अस्पताल को जिसने जमीन भी लिया अगर, तो जमीन के साथ जो एमओयू हुआ है वो एमओयू लागू होगा। आप देख सकते हैं कि सरकारी रोडवेज एक्सीडेंट कर देती है तो उसका चालान बहुत कम होता है। इसी प्रकार सरकारी अस्पतालों में जो BCPNDT एक्ट के तहत जो सोनोग्राफी के कानून की पालना नहीं की जाती है, तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है कि सीमित संसाधन में उसके ऊपर असीमित लोड है, इसलिए सरकार इस तरीके की बातों के लिए पहले वार्ता के लिए राजी नहीं थी जी। क्या सरकार ने पिछले 15 दिन में एक बार भी चिकित्सकों से संवाद नहीं किया? सरकार जिन मामलों पर 17 दिन बाद सहमति बनी, करीब 17 लाख मरीज आपके आउटडोर में प्रभावित हुए, हजारों मरीज राजस्थान में जिनके ऑपरेशन डाले गए, अब आने वाले कई महीनों तक उन्हें उसका दर्द सताएगा, तो ये जो मांगे जो कल आप लोग बैठे 17 दिन पहले का सरकार की तरफ से नहीं था। मैं आपको बता दूं, मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, अगर ये पूरी मांगे आपने सरकार उस दिन तक मांगी गई होती तो 17 दिन नहीं होते, उनमें से कुछ नेगोशिएशन बढ़ते रहे और जब सहमति हुई है उससे पहले जब हमने ये देख लिया तभी हुई है, उससे पहले कुछ मांगों पे सहमति थी पर पूर्ण नहीं थी। सर बीच में दो बार ये बिल अव्यवहारिक बिल था, है और रहेगा बिल, अलोकतांत्रिक है, सरकार को ये समझते थोड़ा वक्त लग गया। इस बिल में जो प्रावधान पहले रखे गए थे वो मूर्त रूप से ग्राउंड रिपोर्ट उसमें हो ही नहीं सकती, प्राइवेट चिकित्सक को सेवाएं दे ही नहीं सकते, असंभव है। आज भी आप लोग मानते हैं ये लोकतांत्रिक है? ये अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है, पर सर चूंकि अब उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकारी हॉस्पिटलों में लगाया तो ये उनकी स्वेच्छा है। कोई भी वो अपने खुद के हॉस्पिटल प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे किसी भी तरह की बाध्यता लागू करने के लिए वो स्वतंत्र है, पर प्राइवेट चिकित्सकों पर ऐसी किसी भी बाध्यता को लागू करना अव्यवहारिक है और अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इसलिए इस बिल को उनको वापस लेना पड़ा, उस बिंदुओं को वापस लेना पड़ा। आदरणीय मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आंदोलन उग्र रूप और सड़क पर भगत सिंह बनकर चिकित्सक क्यों आया? स्पष्ट रूप से राज्य के आला अधिकारियों ने चिकित्सकों के साथ वादाखिलाफी करी और एक बार नहीं दो बार करी, हमने तो इस आंदोलन को 3 बार वापस लिया है मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप। पहला आंदोलन हमने 23 फरवरी 2023 को वापस लिया था, हमको कोई दबाव नहीं था, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उन्होंने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए थे कि चिकित्सकों की समस्या का बिंदुवार निराकरण करें, हम राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार चिकित्सकों के दर्द को सुने बिना, इनका दर्द को दूर करे बिना नहीं दे सकते हैं।
हमको धोखा दिया गया और एक बार नहीं दो बार, इसलिए हम आहत होकर सड़क पर उतरे। यही असली बात है कि पूरे राजस्थान ने पूरे देश का चिकित्सक पर इन आईएएस अधिकारी जिन्होंने इतना विसंगतिपूर्ण बिल बनाया, मैं कह रहा हूं कि पूरे राज्य की जनता को, जो आप बोलो 17 लाख और 18 लाख, मैं कह रहा हूं पूरे राज्य की 8 करोड़ जनता को सड़क पर लाने वाले ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मंच से कह रहा हूं, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, इसके कोई चिकित्सक नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही, PCPNDT एक्ट की पालना सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो रही है। कौन से हॉस्पिटल हैं? एक भी सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें PCPNDT एक्ट की संपूर्ण पालना होती हो। आपसे रिक्वेस्ट राइट टू हेल्थ में पूछूंगा। नहीं, उन्होंने कहा PCPNDT की पालना नहीं, कहा सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सर, मैंने दृष्टांत दिया था राइट टू हेल्थ बिल पे कंसंट्रेट, राइट टू हेल्थ बिल पे कंसंट्रेट। और मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आप मेरे को सुनने करते रहा। हां, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सचिव डॉक्टर अनुराग सर, एक मिनट, मेरा इस अवस्था से जुड़ा हुआ है। मेरा यह कहना था कि स्टैचू सर्कल पे राजस्थान भर से महिला चिकित्सक भी आई थी, पुरुष चिकित्सक भी आए थे, उन्होंने लाठियां खाई और उनका एक ही था, हमने वहां इंटरव्यू किए थे कि नो टू RTH। और आप लोग नेता लोग जाके मैनेज हो गए XYZ कैटेगरीज में, ये इस पे होगा, ये इस पे लागू नहीं होगा। तो आपने आम डॉक्टर को डिच नहीं किया है क्या? क्योंकि टैगलाइन आप लोगों की यही थी, नॉट टू RTH। मैं इसमें आपको ये बता देना चाहता हूँ, उनको किसी को भी धोखा नहीं हुआ है, बल्कि वो सब जीत हुई है उनकी, क्योंकि RTH बिल अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लागू है, किसी भी प्राइवेट संस्थान पर किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से वो लागू नहीं है। ये हमारी संपूर्ण जीत है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर एज ए प्राइवेट प्रोजेक्ट किसी भी बिल को, किसी भी अध्यादेश को और किसी भी कानून को लागू करने का सरकार को अधिकार है। यदि वो वहां देखेंगे कि इसमें असहमतियां हैं, वहां भी विसंगतियां हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हटा लेंगे उसको। आगे बहुत से बिल आए आरोप में, इस जो MOU साइन हुआ है उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि बिल के प्रारूप में अब यदि सरकार कोई भी परिवर्तन करती है नियम कानून में, तो उसमें IMA की प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाएगा। उनके जो उसके बिना कोई सलाह के कोई भी चीज़ अब आगे नहीं बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कुछ आकलन करेंगे, आंकड़े लेंगे, तो 95% से अधिक अस्पताल इस दायरे से बाहर आ चुके हैं। तो जैसा डॉक्टर है वो कहां से लिखा है? 98% का, 99% का, 95% का? बिल्कुल, ये आंकड़ा है, कहां है? इसको अभी और कलेक्ट कर रहे हैं हम, हो सकता है इसको 99% बोल दें। सर एक सवाल, मैं कह रहा ये आंकड़ा वाकई में शाब्दिक है, यथार्थ नहीं है अभी। पर चूंकि सारे ही प्राइवेट हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं, चंद मेडिकल कॉलेजेस जिसमें शामिल है गवर्नमेंट कॉलेजेस और चंद प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें शामिल है मेडिकल कॉलेज, इसलिए यह आंकड़ा करीब करीब सही है। इसको अपन शब्द से शब्द ना ले, इसे आप गणितज्ञ आंकड़ा ना समझे, पर मोर देन 90% 95% चिकित्सा समुदाय इससे बाहर हो गया है। सर, आपके कोई भी प्रश्न से पहले मेरी बात मुझे तब तक सुन लीजिए, थोड़ा सा हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं, जैसा कि डॉक्टर संजीव गुप्ता ने आभार व्यक्त किया है, उसका मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं बात को। जब हमारी कल रैली, उसमें 10 स्टेट ब्रांच के IMA की 10 स्टेट ब्रांच के 80 प्रतिनिधि यहां जयपुर में आए। ठीक है, मैं आपसे एक मिनट, मेरी बात हुई होगी, उसमें डॉक्टर राजन शर्मा जो कि फॉरवर्ड प्रेसिडेंट नेशनल IMA वो थे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जयेश लेले थे, फॉर्मर हॉनरेरी सेक्रेटरी जनरल IMA नेशनल ब्रांच के डॉक्टर नरेंद्र सैनी और डॉक्टर राय मौजूद थे। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और पूरे राजस्थान स्टेट की समस्त IMA ब्रांचेस के सदस्य उसमें मौजूद थे। हमारी जो स्टेट ब्रांच के और जो जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच के कुछ सदस्यों ने, जो कि पर्दे के बहुत सामने जो अनसंग हीरोज हैं, उनमें मैं नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर राहुल कट्टा, डॉक्टर सुनीत शाह, डॉक्टर सतीश जैन, डॉक्टर मुकेश कल्ला, डॉक्टर शिवराज जोशी, डॉक्टर नरेश सोमानी, डॉक्टर NC पुनिया और डॉक्टर GL शर्मा प्रमुख थे। डॉक्टर शिवराज सिंह राठौर ये प्रमुख हैं जो इन्होंने बहुत काम किया, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हम समस्त एसोसिएशन का, जिन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हाथ से हाथ मिलाकर हमारे साथ उन्होंने कार्य किया, जिसमें PHNHS, उपचार, इंडियन डेंटल एसोसिएशन,
एरिस्टा, आरएमसीटीए, मेगडा, जार्ड, आरडीए और मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अब आप कृपया सर, आपने कहा इस बिल के अंदर कोई भी सरकार संशोधन करती है तो आईएमए के प्रतिनिधि मंडल के शामिल होंगे। इससे पहले आपने संजय गुप्ता जी ने भी कहा था कि हड़ताल को लेकर दो बार हमने इस हड़ताल की वापसी ली, ठीक है, इसको इसके पीछे क्या कारण था, उसमें भी आईएमए के प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है ना। फिर एक नया ग्रुप चालू हुआ विजय कपूर जी का, उनका टैगलाइन था नो टू आरटीए। प्लीज विजय कपूर जी, विजय कपूर जी मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी वार्ता हुई 23 फरवरी को, उस दिन भी शामिल थे, हमेशा शामिल थे, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि हम सब चिकित्सक एक मंच पर थे, एक साथ थे, ऐसा कुछ नहीं है। सारी बातें हमारे प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से जब वार्ता करने गए थे, मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर ये हुआ था कि हम इसको बहिष्कार को वापस नहीं ले रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। यदि हमारे को जो हमने प्रावधानों में सुधार की बात कही थी, जो जिस तरह से नोटो आरटीएच का स्टैंड इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बार बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य संगठनों के जो उसमें प्रावधान की बात कही जा रही थी, उसमें कई बार ऐसी बात सामने आई, कहते कुछ थे और करते कुछ थे, उसका बिल्कुल कहीं वो नहीं था कि कोई विश्वास किसे कहते हैं वो टूट रहा था। प्रशासनिक स्तर पर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, प्रशासनिक स्तर पर हमारे चिकित्सकों के साथ न्याय नहीं हुआ। हमारे एक बात सुन के वो जो बताते थे कि हम इस पे ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब को भी इससे उन्होंने अलग रखा, उन्हें भी नहीं बताया गया, उन्हें भी अंधेरे में रखा, इसलिए ये आंदोलन इतना खींचा। संवेदनशील मुख्यमंत्री को जब ये बात पता लगी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया, बीमार होते हुए भी, कोरोना ग्रसित होते हुए भी, उन्होंने चिकित्सकों को भी बात मानी, हम उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं। सर एक मैं अंतिम ये सवाल ये, मैं जानकारी चाहूंगा, यदि आप लोग जानकारी हो तो बताइएगा कि राजस्थान में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं टोटल। सर एक्यूरेट संख्या तो अभी हमारे पास नहीं है, पर करीब 70% पॉपुलेशन को स्वयं सरकार ने 18 जनवरी को चिकित्सक प्रतिनिधिमंडलों से जो बात की उसमें बताया 6,000 से ज्यादा है, 6,000 से ज्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ, इनमें से जिनमें छोटे बड़े सभी शामिल, इनमें से कितने 50 बेडेड से मोर देन है, ये नहीं हमारे पास, ये आंकड़ा नहीं है, हम माफी चाहेंगे, ये आंकड़ा देखो मेरी बात सुनिए, स्वयं सरकार एक मिनट, हम इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा जिन हॉस्पिटलों पे लागू होगा वो चंद मेडिकल कॉलेजेस हैं और वो ऐसे बहुत छोटे हॉस्पिटल बोर्ड पे है, उनकी संख्या 1-2% से ज्यादा नहीं है। इसके अनुदान इसके इसके ऐसे जयपुर शहर में ऐसे 3 और 4 हॉस्पिटल है। 18 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमें आधे घंटे का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले किया था कि राज्य में स्वास्थ्य के अधिकार और एक सर्वे जी 18 जनवरी को हमारी जब स्वास्थ्य विभाग से चर्चा हुई थी तो उन्होंने हमें आधे घंटे का एक डिस्प्ले दिया था और उसमें उन्होंने खुद ने स्वीकार किया था कि राज्य में जो निजी चिकित्सक है वो 70% और 30% भागीदारी सरकार के अस्पतालों की है। मैं आपको आरटीएच के फायदे बताना चाहता हूं, अभी आपने किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि आरटीएच से फायदा क्या होगा, मैं मीडिया को बताना चाहूंगा आने वाले दिनों में आरटीएच से राज्य की जनता को भारी फायदा होने वाला है। और कैसे होने वाला है आप हंस रहे हो, मैं बोल रहा हूं 75 सालों में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, 1,000 करोड़ रुपए हमने सरकारी सिस्टम में खराब कर दिए, लेकिन आज तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्थाएं आपसे छुपी नहीं है। अब सरकार का सारा पैसा, सारा का सारा ध्यान इस आरटीएच बिल के माध्यम से सरकारी तंत्र को, जो हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारा तंत्र मजबूत है, अब इस आरटीएच के माध्यम से यह सरकारी तंत्र बहुत मजबूत होगा, राज्य की जनता को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस आरटीएच की जब भी आपत्ति करी हमने हमेशा ये बोला
सरकार को आवश्यकता है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दृढ़ करे, सुदृढ़ करे, जो रिक्त मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट वेकेंट पड़ी है उनको करे, मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा हो चुकी है, मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चरर प्रोफेसर को जो अभाव चल रहा है उनको पूरा करे, और इक्विपमेंट्स और जो भी आगे की जो भी सुविधाएं है उसको दे। प्राइवेट अस्पताल मान लीजिए एक बहुत अच्छी रोबोटिक मशीन कोई सर्जरी के लिए दिया किसी अस्पताल में, अब उसको आप उसमें बांधना चाहेंगे तो क्वालिटी ऑफ सर्विस राजस्थान की गिरेगी। क्वालिटी ऑफ सर्विस, आज मरीज राजस्थान में सारे बाहर के प्रदेशों से मरीज राजस्थान में आते हैं, क्यों? क्योंकि राजस्थान की गुणवत्ता बहुत अच्छी है चिकित्सा क्षेत्र में, यहाँ के चिकित्सक प्राइवेट विश्व में सबसे